सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल टेक क्रॉनिको और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक क्रॉनिको, जहां पे हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नए नए अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं करूंगा एक छोटा सा अनबॉक्सिंग और मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों मेरे पास एक्चुअली में HP का एक HP डेस्क जेट इंक एडवांटेज 1115 मॉडल नंबर का एक HP का प्रिंटर है, जो दोस्तों केवल एक मतलब प्रिंटर है, कलर प्रिंटर है, बहुत ही बेहतरीन प्रिंटर है दोस्तों। मैं अगर आप लोग को बात करूँ इस प्रिंटर के उसका रिव्यू का, तो मैं एक अदर वीडियो में इसका रिव्यू जरूर दूंगा आप लोग को। परफेक्ट प्रिंटर है दोस्तों, वर्क के लिए भी और आपको स्टडी के लिए भी। तो आज ये दोस्तों इसमें बस स्कैनर नहीं है, खैर आज मैं ये वीडियो इसके लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ इस वीडियो पे एक्चुअली मैं मेरा इस पे जो कलर वाला जो इसका कार्ट्रिज था वो ख़त्म हो चुका था, तो मैं उसके लिए लेके आया हूँ। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कलर वाला कार्ट्रिज जो है वो ख़त्म हो चुका है। एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ कलर वाला कार्ट्रिज होता था वो ख़त्म हो चुका है। मेरे पास केवल ये वाला है ब्लैक एंड वाइट वाला, और मैं इसे रिफिल करके यूज़ करता हूँ दोस्तों, और काफ़ी सस्ता पड़ता है मेरे को ये वाला प्रिंटर। एक्चुअली ख़रीदने में भी सस्ता पड़ा और यूज़ भी काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये वाला जो इसका कार्ट्रिज आता है, कलर कार्ट्रिज इंक एडवांटेज 680, यहाँ पे देखिए ट्राई कलर कार्ट्रिज है। तो दिखाता हूँ क्या है इस बॉक्स के अंदर, करते हैं इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग और फिर दिखाते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे पीछे की तरफ, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके कुछ डिटेलिंग वगैरह लिखी हुई है, जिसका कोई खास बहुत मतलब होता नहीं है दोस्तों, आपका कोई बहुत मतलब नहीं है, बस यहाँ पे एक चीज़ देखना चाहिए आपको कि ये देखिए यहाँ पे एक इसका ये दिया है वारंटी एक्सपायर होने के लिए, जिसकी वारंटी एंड्स है वो यहाँ पे दिया अगस्त 2020। तो जब ये वारंटी एक्सपायर हो जाए उसके बाद वाला मत लीजिएगा, उससे पहले आप खरीद सकते हैं। चलिए ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। यहाँ पे सील वगैरह HP का लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे भी वही चीज़ है, काफ़ी अच्छा बॉक्स बना हुआ है। हम मैं इसे करता हूँ ओपन, तो ओपन करने के लिए दोस्तों यहाँ से मैं इसे दूँगा फाड़, और यहाँ से निकालने के बाद देखते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों इसमें से क्या निकलता है। तो दोस्तों इस बॉक्स में इसको साइड में रखते हैं, कार्ट्रिज को बॉक्स में देखते हैं, तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा यूज़ वगैरह कैसे यूज करना है ये सब इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे हैं, खैर बॉक्स में कुछ नहीं, तो इसको रखते हैं साइड में। और दोस्तों इसको देखते हैं, ये रहा दोस्तों इसका कलर ट्राई कलर कार्ट्रिज, यहाँ पर भी लिखा हुआ है मेड इन मलेशिया, चाइना तो नहीं है, चाइना प्रोडक्ट नहीं है। चलिए इसे ओपन करते हैं, और यहाँ से दोस्तों जैसे आप कोई भी टॉफी वॉफी का रैपर खोलते हैं, चॉकलेट का वैसे ही है, और यहाँ से आप इसे ओपन करोगे तो ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसमें रखा हुआ है, इसमें रैप करके काफ़ी सेफ्टी से रखा हुआ है। यहाँ पे भी आप देखिए HP ट्राई कलर ब्लू रेड और येलो ट्राई कलर 680। तो बस दोस्तों यही है, ये रहा ये ट्राई कलर इंक कार्ट्रिज, फोकस हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ये एक छोटा सा यहाँ पे ये लगा होता है टेप, सीट टेप होता है, इसको हमें यहाँ से निकालना होता है, यहाँ से इधर की तरफ खींचना होता है। ये मैंने देखिए निकाल दिया, और आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको कलर भी दिख रहा होगा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको लगाने के लिए आपको ये जो ये वाला जो हिस्सा है वो पीछे की तरफ होगा, अंदर की तरफ, मतलब आप ऐसे सीधा ये जो लिखा हुआ है वो ऐसे लेके जाएंगे अंदर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे सीधा करके इस वैसे करेंगे, लगाने बाद आप इसे पुश कर देंगे, बस दोस्तों इट्स इंस्टॉल्ड। तो बस दोस्तों बस आज, और उसके बाद आप इसे बंद कर दीजिए, और उसके बाद से आप अपने प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। और दोस्तों इस प्रिंटर का मैं एक डिटेल्ड रिव्यू लेके आऊँगा, और मैं बताता हूँ दोस्तों आप उसको देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन प्रिंटर है। ये मैंने खरीदा था, मैं आपको इसका प्राइसिंग बता रहा हूँ, ये मुझे पड़ा था 1900 रुपये का जब मैंने लिया था। तो अभी थोड़ा सा इसकी शायद प्राइसिंग 2100-2100 रुपये है, लेकिन आपको ऑफर वगैरह में 1800-1900 में मिल ही जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।